हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हम जा रहे हैं मंडी और आज है चांद रात, तो आप सबको पहले तो एडवांस में ईद मुबारक हो बहुत बहुत। और हम जा रहे हैं JDC फाउंडेशन, जो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वहाँ चलते हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ कैसे जानवर हैं। हम बच्चों को घुमाने लेके आए हैं। खड़े हो, तुम्हारी वीडियो बनाओ। अबू बकर देखो, तेरा आवाज दे रहा है ऊंट। अबू बकर आया है, कहाँ है? बैग में नहीं है? नहीं, अबू बकर को आवाज लगा रहा है। चलो चलो, क्या हो रहा है? हेलो, आ रही आवाज है तो देख ले। हाथ लगाओ लगाओ, खड़े हो। ये तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं। बहुत सारे हैं। जी तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े जानवर थे। बहुत दिल खुश हुआ यहाँ के जानवर देख के, बच्चे बेइंतहा खुश हो गए थे। और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हर साइज़ के थे, बहुत बड़े बड़े भी थे, बहुत अच्छे अच्छे ऊँट भी थे। और मज़ा आ गया था यहाँ आने के बाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और इतना रश था यहाँ पर, हर मतलब चांद रात थी फिर भी लोग माशाल्लाह से आए हुए थे जानवरों को देखने। और हम लोग बच्चों की वजह से आए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है बकरीद पे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है जानवर देखने का। वैसे तो गली महलों में भी बहुत होते हैं। और ये हमारे भतीजे हैं अबू बकर, इनके हम पिक्चर और वीडियो ले रहे थे कि चलें अब हम जाएंगे घर। तो घर जाने की तैयारियां हैं, अब देखें हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और ये अबू बकर की वीडियो बन रही है, ये देखें जी। अबू बकर हाथ लगाने से भी डर रहे थे, और बहुत बड़े बड़े जानवर थे। और ये जो दो जानवर थे इनको देख के तो हमें बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि जहाँ हम लोग खड़े हुए थे ये उस साइड पे ही उन्हें लेकर आ रहे थे। लेकिन बहुत लंबे थे ये, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत जानवर थे। बहुत अच्छा रंग था इनका, बिल्कुल वाइट कलर के ये थे। और हम आए थे JDC फाउंडेशन, तो आप लोग अगर जानते होंगे JDC फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा नाम है, और वो है ज़फ़र अब्बास। और ज़फ़र अब्बास भाई को हम यहाँ देख रहे थे कि शायद कहीं नज़र आ जाएं और उनके साथ पिक्चर वगैरह ले लें, बच्चे वीडियो बना लें उनकी। इत्तेफाक से मैं दूर ही खड़ी थी, तो मुझे दूर से वो नज़र आए, और मैंने उनकी अपने हस्बैंड की उनके साथ वीडियो भी बनाई है। आप लोग अगर सोशल मीडिया देखते होंगे तो आप लोग ज़रूर उन्हें जानते होंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के गरीबों के लिए, बेइंतहा
रमज़ान में भी और आम दुनिया आम रूटीन में भी बकरीद पे भी बहुत बहुत वो लोगों की हेल्प करते हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। और यहाँ जितने भी जानवर थे सारे डोनेट किए गए थे, लोगों ने उन्हें दिए थे गरीबों में तकसीम करने के लिए। अब ये सुबह इंशाल्लाह इनकी कुर्बानी होगी। और चांद रात का तो जी मज़ा ही आ गया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं फ़र्स्ट टाइम चांद रात को इस तरह से निकली थी और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो रश आप देखें, रश बहुत ज़्यादा था और ये बहुत खूबसूरत से जानवर थे, बहुत ऊंचे ऊंचे इनके कद थे। तो बस ये देखें, मैंने बहुत करीब से आप लोगों को वीडियो बना के दिखाई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और ये देखें ऊंट, ये भी पता नहीं कहाँ का था पर ये आम ऊँटों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो फिर यहीं खड़े हुए हमें ज़फ़र भाई नज़र आ गए थे और मैंने इनकी भी वीडियो बनाई थी। ये ज़फ़र अब्बास JTC के चेयरमैन हैं और लोग इनसे मिल रहे थे, पिक्चर बनवा रहे थे। और ये शहनाज़ आपा, इनको आप जानते होंगे, शहनाज़ शेख हैं ये, और लोग इनके साथ भी वीडियो बना रहे थे। बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छी, किसी को भी मना नहीं कर रही थी, सबके साथ पिक्चर बनवा रही थी, वीडियो बनवा रही थी। मैं काफ़ी देर से इन्हें देख रही थी तो फिजा ने भी इनके साथ बनवाई। तो फिर ज़फ़र भाई थोड़ी देर बाद फिर नज़र आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड उनसे जाके मिले, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सलाम दुआ की। और अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, हम आपको रोज़ देखते हैं। मैं इनसे कह रही हूँ ज़फ़र भाई, आप बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत दिल खुश होता है। अच्छा एक नाम है। तो जी अब हम जा रहे हैं घर। तो आप सबको हमारी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी कबूल करे। और दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।